देखने को मिला अभी मंदिर के भीतर, मूर्ति देखी हमने घी में, जैसा सरसब होनी चाहिए लवालब घी में है, अखंड दीप जला हुआ देखा हमने, और साथ ही दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक 6:15 बजे यानी 6:15 पर भगवान के स्त्री के पाठ खुल चुके हैं। मौसम भी बहुत सुंदर है और भीतर की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। जैसा हमने मूर्ति में अभी दर्शन करके हम बाहर आए, मूर्ति जिस बार सरसब जय सुंदर है, हमें लगता है कि इस वर्ष सब कुछ बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रहेगा, यात्रा सुंदर रहेगी और देश और विश्व की स्थिति भी औसत बहुत सुंदर। मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं, लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति घी में सरसब देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रा को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं, मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है, लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। पास से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात्कार के वो बैकुंठ धाम में, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे अंदर बाहर लग रहे, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद से आज लग रहा पूरा विश्व वो बैकुंठ धाम में, यहाँ सारा पूरा विश्व यहाँ बदला हुआ है और बद्रीनारायण भगवान की कृपा सभी होनी चाहिए, मेरी यही आशा है और भगवान से अनुसार ही प्रार्थना करते हैं। विश्व से सबके घर में सुख शांति हो, बद्री विशाल भगवान की कृपा।